आईटी पार्क दूर शोर से बनाना शुरू किया था। 300 करोड़ रुपए से 21 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस पार्क पर 120 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं और अब बीच में ही इसका निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने हाथ इस प्रोजेक्ट से खींच लिए हैं, जिससे 2005 में पूरा होने वाला प्रोजेक्ट आज तक आधा अधूरा है। अब AKVN इसे स्वयं तैयार करके किराए पर देने का मन बना रहा है। नवंबर के महीने में हमारा निविदा का एक कॉल ख़त्म हुआ है जिसमें कोई रिस्पांस नहीं आया, तो अब ये धारणा बन रही है कि उसको AKVN खुद पूरा करे, उसके जो आवश्यक उसमें बचे हुए निर्माण कार्य हैं, और उसके बाद एक फिक्स रेट पर चाहे प्रीमियम पे चाहे किराए पे उसको चलाए। इस क्रिस्टल आईटी पार्क को SEZ के रूप में मान्यता दी गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट के फेल होने से इंदौर को हैदराबाद और बेंगलुरु की तरह आईटी सिटी बनाने की योजना को एक बड़ा झटका लगा है। क्रिस्टल आईटी पार्क के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो तो लैक ऑफ विजन है। हमने कोई विजन कभी भी लिया नहीं, और विजन जो लिया भी तो उसको सही समय पर सही प्रयास नहीं किए। इस विशाल आईटी पार्क में एक 11 मंजिल और एक 5 मंजिल इमारत बनना शामिल है। इसके अलावा एक 5-स्टार होटल के लिए भी जमीन खाली रखी गई है, लेकिन 3 बार टेंडर बुलाने के बावजूद किसी फर्म ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। प्रकाश हिंदुस्तानी, सहारा समय, इंदौर। तो इस मसले पर जरा बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने इंदौर स्टूडियो का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गौतम कोठारी, उद्योगपति हैं। डॉक्टर कोठारी, आपका बहुत स्वागत सहारा समय पर। धन्यवाद जी। आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर मोटे तौर पर आपको क्या वजह नजर आती है अभी ये जो आईटी पार्क की जो स्थिति है उस बारे में। आईटी के लिए 2003 से लेकर अब तक काफी प्रयास करने की बात हुई है जी, लेकिन लगता है कि जो विजन था वो सही नहीं था, सही समय पे सही प्रयास नहीं हुए जी, और आज ये पार्क अधूरा पड़ा हुआ है। इसे फिर से बनाने की और पूरा करने की बात हो रही है, लेकिन ये कठिनाई वाली स्थिति होगी क्योंकि जो कार्य पिछले ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ा गया है जी जी, उसे पूरा करना बहुत मुश्किल कार्य होगा, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया में नए सिरे से जो टेंडर किए जाते हैं उसमें पुराने जो भाव थे उनसे मैचिंग करना बहुत जरूरी होता है, और ये मैचिंग हो नहीं पाएगी जी। और मध्य प्रदेश में जो शासकीय क्रियाकलाप है उसमें ये जो रेट है वो रेट मैच नहीं कर पाएंगे जी। यानी कि सरकार की तरफ से कमी रहेगी, आप ये कहना चाहते हैं? सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा कमी रही है, कभी भी कोई सही डिसीजन नहीं हुआ, कोई विजन नहीं हुआ। जब मर्जी आई, जब इस पे पहले 8 मंजिल था, 9 मंजिल था, उसको फिर बढ़ा दिया, फिर एक बेसमेंट घटा दिया, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, बार बार ड्राइंग्स चेंज हुई। यानी कुल मिलाकर के स्थिति ये हुई कि इसमें सरकार और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो AKVN सभी जिम्मेदार रहे जी। डॉक्टर कोठारी, बहुत ही महत्वाकांक्षी ये पूरा प्रोजेक्ट था, सरकार का सपना था कि आईटी सिटी के रूप में इंदौर को हम विकसित करें। आपको लगता है कि अभी सपना शायद कभी साकार ना हो पाए? सपना तो साकार होगा, लेकिन जो हम अभी बस जो थी वो छूट चुकी है जी। अब जी, नए सिरे से प्रयास करने होंगे जी, और उस चिंतन को एक सही दिशा देनी होगी जी। किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं और साथ ही जो कमियां रह गई हैं उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है, अगर आप कुछ सुझाव दे सकें? सबसे पहले तो हमारी जो पिछली वर्किंग है उसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए जी, कि हमने क्या क्या किया। बार बार कभी PMC बदले, कभी कुछ ठेकेदार बदलने की कोशिश की, तो एक विजन लेकर के चलना होगा और एक कमेटी हो जो पूरी निर्णय ले जी। बिल्कुल, और वास्तव में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो बी क्लास जो आईटी कंपनीज है उनके लिए एक स्वर्ग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उस क्षेत्र में प्रयास किए जाना चाहिए। अभी तक सरकार बड़े बड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है,
और उस चक्कर में ये यहाँ विकास नहीं हो पाता है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि 2003 से इस तरह के प्रयास चल रहे हैं, अभी 2009 आ गया, यानी 6 साल बीत गए, और अब आप कह रहे हैं कि अब नए सिरे से हमें प्रयास करने होंगे, यानी कि कम से कम अगले 5-6 साल में तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। निश्चित रूप से पिछले 6 साल में जो यहाँ थे जी, उनने अपना एक्सपांशन यहाँ नहीं किया और वो दूसरी जगह चले गए, यानी हम नए लाने की तो बात दूर है, पुरानों को ही यहाँ बसा नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल, और एजुकेशन हब के रूप में इंदौर को जाना जाता है, सरकार चाहती थी कि आईटी सिटी के रूप में भी इंदौर जाना जाए, और जैसा कि डॉक्टर कोठारी भी कह रहे हैं कि जो आईटी कंपनीज हैं बी क्लास की, उनके लिए इंदौर स्वर्ग साबित हो सकता है, लेकिन अफसोस सरकार की तरफ से कुछ कमियां रह गई, डॉक्टर कोठारी कह रहे हैं, और उसी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा पड़ा है। जी, और आपको बताएं कि एकीवीएन कंपनी के जो एमडी हैं नीरज मंडलोई साहब, उनसे लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनसे संपर्क हो जाए, उनका पक्ष भी हम रखें, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम डॉक्टर कोठारी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक और छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खास पेशकश धोखाधड़ी। सभी बैटरियां एक सी नहीं होती हैं। अरे नहीं, ड्यूरासेल और दूसरी साधारण जिंक कार्बन बैटरियों की मुलाकात जिम में होती है। ड्यूरासेल चलती रहती है, साधारण बैटरियां दम तोड़ देती हैं। ड्यूरासेल ने एक बार फिर साबित किया है कि वो किस चीज से बनी है। ड्यूरासेल चले 10 गुना तक ज्यादा। महकते महकते बिखरते सांसों में घुलते बरस रहे फूल ही फूल, बरसाओ तुम फूल बरसाए हम फूल। महकते आ गया नया व्हील बार, जिसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की खुशबू। कपड़े धोने में पसीना नहीं, अब फूल बरसेंगे। नमस्कार, आज की ताज़ा खबर। घर घर की मनपसंद डंकन्स डबल डायमंड प्रीमियम चाय अब एक नए आकर्षक अवतार में। डंकन्स डबल डायमंड, जरा सी चाय असर दिखाए। Thank you.